सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में। प्यारे साथियों, पहले ही वीडियो में आपने इतना सारा प्यार दिया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी और अध्यापक के बीच एक कम्युनिकेशन बनता है, एक संप्रेषण बनता है, उसके माध्यम से शिक्षक को भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और वो किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता और आप कहीं और होते हैं, हम कहीं और होते हैं, लेकिन जब आप वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो वही ऊर्जा जो कक्षा में आप सब सामने बैठे होते हैं मिलती है, वही ऊर्जा उससे हमें मिलती है। तो आइए आज हम लोग अपनी मनोविज्ञान की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोगों ने मनोविज्ञान का परिचय देखा था। परिचय के माध्यम से हमें मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसकी आवश्यकता क्यों है, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी ली थी। आइए आज हम एक अद्भुत कहानी के माध्यम से स्टेट सीटेट में आने वाले कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन को मात्र 2 खंड की कहानी में हम लोग 5 नंबर अचीव करेंगे। वो भी कैसे, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी लिखना नहीं पड़ेगा, नोट्स बनाने की तो कोई बात ही नहीं। केवल अगर ये कहानी जो कि 2 पार्ट में, इसको आप लोग केवल सुन भर लेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। हर एक एक कहानी की हर एक लाइन में प्रश्न छुपा है और उसका उत्तर भी उसी में छुपा है। तो आइए हम लोग अपना जो टॉपिक है कहानी के माध्यम से हम लोग बालक में गर्भावस्था के बाद किशोरावस्था तक होने वाले अनेक प्रकार के बदलाव, विकास, वृद्धि एवं अनेक प्रकार के सामाजिक अनेक प्रकार के जो विकास है उन पर दृष्टि डालेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग कहानी पढ़ेंगे प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध जो कि एक बालक था, उसकी माँ उसके पीछे उसकी कैसे देखभाल की, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और हर प्रश्न में उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं प्रारब्ध नाम का एक बालक था, गर्भावस्था से ही प्रारब्ध का विकास प्रारंभ हो गया था। बालक का जब प्रारब्ध नाम का जो बालक था, जब उसका जन्म हुआ, उसका जो जन्म की अवधि थी वो 280 दिनों की थी। 280 दिनों के बाद प्रारब्ध का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक का वजन जो था वो 7 से 8 पाउंड का था। जन्म के प्रारंभ से ही प्रारब्ध का विकास प्रारंभ हो गया था। बालक के द्वारा बोला गया जो पहला शब्द था वह 12 माह के बाद उसने अपने मुंह से मां शब्द निकाला, जो कि पहला सार्थक शब्द था। हम लोग जानते हैं कि जो बालक पहला सार्थक शब्द बोलता है वह 12 वर्ष की आयु में बोलता है, और जब उसने पहला सार्थक शब्द मां बोला तो उसकी मां का हृदय करुणता से भर गया और वो प्रसन्नता के मारे उसका पालन पोषण करने में और ध्यान देने लगी। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और जो प्रथम गुरु होती है वह उसकी माँ होती है। जन्म के बाद उसका विकास होना प्रारंभ हो गया, उसका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास बड़े तेजी से होने लगा। धीरे धीरे शारीरिक विकास होने लगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी का शारीरिक विकास होता है तो उसमें लंबाई उसकी बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, दांत आना प्रारंभ होता है, बाल आना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वो अपने आगे की अवस्था में जाना प्रारंभ कर देता है। विकास जो है वो उसकी माँ कैसे पता लगाती है, विकास जो होता है वो मात्रात्मक संख्यात्मक होता है, उसे हम माप सकते हैं कि वो कितना लंबा होता जा रहा है, कितना बड़ा होता जा रहा है, कितना छोटा होता जा रहा है। इसलिए इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वृद्धि और विकास का, जिसमें अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, विकास के बारे में पढ़ेंगे, इसके माध्यम से हम उसकी पूर्ण जानकारी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि जो होता है वह गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, संख्यात्मक होता है, उसे हम माप सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है, इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे, अभी एक शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं आपको, वह हमारी मानसिक योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, आंतरिक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं।
मैंने बताया उसका शारीरिक विकास होने लगा, अर्थात उसका सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होने लगा और साथ ही साथ उसका स्थूल गत्यात्मक विकास भी होने लगा। अब आप जानेंगे कि स्थूल गत्यात्मक विकास क्या है और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास क्या है। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के अंतर्गत उसकी बड़ी मांसपेशियां जैसे चलना, उठना, बैठना, कूदना आदि का विकास होता है, और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में उसका जैसे लिखना, अंगुलियों का काम करना और लचीले जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं उसमें वह कार्य करती है। और कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे उसका शारीरिक जो विकास है, शारीरिक क्रियाकलाप है, उसने करना प्रारंभ कर दिया। प्रारब्ध धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी आयु 3 से 6 वर्ष की हो गई। 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वह स्वकेंद्रित आयु बल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? स्वकेंद्रित अवस्था कहलाती है। इसमें बालक खिलौनों से खेलना बहुत पसंद करता है, तो प्रारब्ध की माँ ने प्रारब्ध के लिए अनेक प्रकार के खिलौने लाना प्रारंभ कर दिया। वह कभी शेर के साथ खेलता, कभी खाना बनाना खेलता, कभी घर बनाकर उसमें खेलता, अर्थात वह स्वकेंद्रित अवस्था की ओर प्राप्त हो रहा था। धीरे धीरे उसकी आयु और बढ़ती है और वह 7 से 12 वर्ष का हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि 7 से 12 वर्ष की आयु जो आयु होती है वह बालक को विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय भेजने की आयु होती है। प्रारब्ध 7 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। विद्यालय जब जाता, वो इंटरवल में जब कोई खेल होता तो वो कभी उसमें पुलिस बनता, कभी सिपाही बनता, तो कभी कभी वह नेता बन के सबका मनोबल बढ़ाता, सबके बीच में उसका पार्ट करता। तो उसके साथी कहने लगे कि वह मिथ्या परिपक्वता को प्राप्त हो रहा है, अर्थात तो वह अपने में ही नेता, मंत्री, विधायक, पुलिस, IAS आदि बनने की कोशिश कर रहा है, वह मिथ्या परिपक्वता को प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई और जो प्रारब्ध था वह 11 वर्ष का हो गया। 11 वर्ष का होते ही बालक में तर्क शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे वह समाज से, परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से, अध्यापकों से तर्क करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उसका उस अवस्था, ये 11 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालक खेल के प्रति अत्यधिक उसके ओर अग्रसित होते हैं और वह खेल का मन खेलने में ज्यादा लगने लगा, इधर उधर घूमने में लगने लगा, टीवी देखने में लगने लगा, कार्टून देखने में लगने लगा और पढ़ाई के प्रति उसका मन विमुख होते चला गया। यही प्रारब्ध की सबसे बड़ी कमी थी। एक दिन क्या हुआ कि प्रारब्ध जब विद्यालय गया तो उसकी अध्यापिका ने प्रारब्ध से कई प्रश्न पूछे और लगातार प्रारब्ध ने उस प्रश्न का गलत उत्तर दिया। देखते हैं भाइयों, मनोविज्ञान पढ़ने का जो सबसे मूल कारण है बालकों की प्रवृत्ति को समझना है। इस कहानी के माध्यम से हम 5 नंबर तो अचीव ही करेंगे, लेकिन आगे भविष्य में होने वाले अनेक प्रकार की स्थिति को भी हम लोग जानेंगे। जब विद्यालय में अध्यापक के द्वारा उसे कई प्रश्न पूछे गए और सभी प्रश्न का जो उत्तर था उसने गलत दिया, तो अध्यापक ने न जाने किस किस बातों से उसे कक्षा में संबोधित किया। यह बात उसके हृदय में बस गई और उसने, उसका मन जो है वो खिन्न हो गया, अर्थात वह चुपके से घर आया और विद्यालय के प्रति उसका जाने का जो भूख था वो विमुख हो गया। वह चुप रहने लगा, वो न घर वालों से बात करता, न किसी से बात करता। धीरे धीरे सा वो चिड़चिड़ा होने लगा और अपने में मस्त रहने लगा। घर वाले भी चिंतित हुए, परिवार वाले भी चिंतित हुए। धीरे धीरे समाज ने उसे कहा कि वह स्वलीनता का रोगी है, अर्थात कहने का मतलब अध्यापक ने तो पहले ही उसे कहा था कि उसका जो IQ लेवल है वो 70 से कम है, पढ़ाई लिखाई उसके बस के नहीं है, वह मानसिक न्यूनता से ग्रसित, तो अध्यापक ने पहले ही बता दिया था। उसको अभी उसकी एक जो ठेस थी, एक चोट थी, भरी ही नहीं थी कि परिवार वालों ने, समाज वालों ने उसे स्वलीनता का रोगी बता दिया। भाइयों, आप लोग जानते हैं कि हमारा समाज जो है, हमारा ये सकारात्मक प्रभाव भी डालता है, नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। हमें ये समझना चाहिए, और सोचना चाहिए कि किस कारण से प्रारब्ध या कोई भी बालक है उसमें अनेक प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, उसका कारण क्या है। यहीं पर अध्यापक ने अगर उसे समझाया होता, अगर उस पर सकारात्मक कहानियों के माध्यम, सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से अगर ऐसा किया होता तो वह आज स्वलीनता का रोगी न बना होता।
तो अभी तक हम लोग ने पहले प्लाट में प्रारब्ध के कई बारे में पढ़ा, उसका सूक्ष्म गत्यात्मक विकास देखा, स्वकेंद्रित अवस्था देखी, मृतका परिपक्वता देखा, मानसिक न्यूनता से ग्रसित होना देखा, स्वलीनता का रोगी बताया गया। अर्थात पहले पार्ट में हमने जो आज कहानी सुनी उसमें क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग उसकी यह देखेंगे कि वो इस डिप्रेशन से, वो इस नकारात्मक प्रभाव से कैसे निकला। तो आइए हम लोग आज जो कहानी सुनी उस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन सुनते ही आपने कहानी में सारा आंसर है, आप तुरंत कमेंट में आंसर देंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सबका उत्तर वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, बालक का जन्म कितने दिनों में होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे, मैं आंसर तुरंत बता दूं। बालक का जो जन्म अवधि होती है वो 280 दिनों में होती है, अर्थात 280 दिनों के बाद बालक का जन्म होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जन्म के समय उसका वजन कितना होता है? अर्थात जन्म जब होता है बालक का तो उसका वजन कितना होता है? तब उसका वजन होता है 7 से 8 पाउंड, अर्थात 7 जब बालक का जन्म होता है तो वो 7 से 8 पाउंड का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक पहला सार्थक शब्द कितने दिनों में होता है, बोलता है? अर्थात मैंने बताया था उसने पहला सार्थक शब्द माँ बोला, आप ये बताएंगे कि वो सार्थक शब्द कितने दिनों में बोलता है? तो उसका जो उत्तर होगा वह होगा 12 माह। 12 माह का होते ही बालक पहला सार्थक शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है, बालक का प्रथम गुरु और प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? मैंने आपको पहले ही बताया उसकी जो प्रथम गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, और उसकी जो प्रथम पाठशाला जो होता है वो उसका परिवार होता है, अर्थात वो परिवार से ही संस्कार सीखना प्रारंभ करता है, परिवार के माध्यम से उसके अंदर अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, स्वकेंद्रित अवस्था कितने वर्ष की आयु को कहा जाता है? मैंने पहले ही बताया स्वकेंद्रित अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना पसंद करता है, और वह आयु होती है 3 से 6 वर्ष की आयु। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। किसके? अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? विकास मैंने ही आपको पहले ही बताया, यह क्या है? संख्यात्मक है। यह क्या है? संख्यात्मक है, मात्रात्मक है, अर्थात विकास को हम लोग माप सकते हैं। लंबाई किसी के बढ़ रही है हम लोग देख सकते हैं, वजन किसका बढ़ रहा है हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया खिलौने खेलने की आयु कहलाती है, खिलौने जो खेलने की वह आयु क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था, अर्थात जब बालक 3 से 6 वर्ष की आयु में होता है तो वह क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था। और यह जो अवस्था होती है इसमें जो बालक होते हैं वो खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन है हमारा इस कहानी के माध्यम से जो हम लोगों ने सीखा है वह बाल्यावस्था का जो समय सीमा होती है वो कितने वर्ष की होती है? तो बाल्यावस्था की जो समय सीमा होती है वो होती है 12 वर्ष, अर्थात 12 वर्ष का बालक जब तक होता है तब तक वो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा के नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से, प्रारब्ध जिसका नाम था, इस बालक की कहानी के माध्यम से कम 10 क्वेश्चन आपको कराए, और इसमें हर कहानी की हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा है और उसी में उसका उत्तर छुपा है। हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, केवल एक नई नई कहानी के माध्यम से जो हम आराम से बैठकर सुन सकते हैं और हमारे 5, 5, 6, 6, 10, 10 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा, और जैसा कि पहले वीडियोज में और वीडियोज में अनुराग सर की वीडियो में, निखिल सर की वीडियो में, ऋचा मैम की वीडियो में आप लोग प्यार देते हैं, और वैसा ही प्यार आप लोग देंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।